हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको 2, 4 और 6 मार्क्स की क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं. सो आप इन क्वेश्चंस को लर्न करके जाइए और ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ रेवोल्यूशंस. सो सी फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना था, मिल्क फैक्ट्रीज़ को डेवलप करना था, अपने देश की तरक्की के लिए हमें बहुत सारी रेवोल्यूशंस का उत्पादन करना पड़ा. जिस तरह से एग्रीकल्चर की रेवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, मिल्क रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, तो इसी तरह से ये और भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं जिनका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, उनकी प्रोडक्शन एक्सेट्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो आइए जानते हैं क्या महत्व है और कौन है इनके इन्वेंटर्स, फादर ऑफ रेवोल्यूशंस. एंड दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज़ विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला. सो सी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशंस और उनका मीनिंग. उसके बाद पीपीटीज में हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशंस के फादर्स. उनका नाम भी हमेशा पेपर्स में पूछा जाता है. सो ब्लैक रेवोल्यूशन इज नोन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन. सो सी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि व्हीकल्स आ गए, कार्स, मोटर बाइक्स एंड सो ऑन, उसके लिए पेट्रोल की प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी. सो ब्लैक कलर का जो क्रूड ऑयल होता है उसी से पेट्रोलियम बनाया जाता है, तो उस तरह से इसका जो नेम है वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन बन गया. नेक्स्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन, फ़िश प्रोडक्शन. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो फ़िश है वो पानी में मिलती हैं, सो पानी जो है वो ब्लू कलर का कंसिडर होता है, तो दैट्स वाई इसको रिलेट किया गया फ़िश प्रोडक्शन से. देन ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर एंड नॉन कन्वेंशनल इन इंडिया, कोकोआ प्रोडक्शन ऑल्सो. नेक्स्ट इज गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, इज़ फॉर जूट प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज गोल्डन रेवोल्यूशन, इज़ फॉर फ्रूट्स, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हनी प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, इज फॉर फूड ग्रेन्स. नेक्स्ट इज ग्रे रेवोल्यूशन, इज फॉर फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज पिंक रेवोल्यूशन, इज फॉर अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड प्रॉन प्रोडक्शंस. नेक्स्ट इज रेड रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज राउंड रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर पोटैटो. नेक्स्ट इज सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन. सिल्वर रेवोल्यूशन, एग, पॉटरी प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ फॉर मिल्क, डेयरी प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज येलो रेवोल्यूशन, इज़ फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन. एवर ग्रीन रेवोल्यूशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो सी फ्रेंड्स, ये याद करके जाइए, इसमें से आपको 2 और 4 मार्क्स का अवश्य पूछा जाएगा. आइए डिस्कस करते हैं फादर ऑफ रेवोल्यूशंस, इनको किस सब रेवोल्यूशंस के इनके इन्वेंटर्स कौन थे और इन्होंने किस तरह से इन रेवोल्यूशंस को बढ़ावा दिया. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ एम एस स्वामीनाथन. सो सी फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर आप एग्जाम देख लीजिए उसमें ये पूछा जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज क्यूरिन. नेक्स्ट इज मिल्क मैन ऑफ इंडिया, अगेन वर्गीज क्यूरिन. नेक्स्ट इज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, डॉक्टर अरुण कृष्णन. फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, प्रोफेसर हीरा लाल चौधरी. नेक्स्ट इज फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, दुर्गेश पटेल. नेक्स्ट इज फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, निरपक तुतेज. नेक्स्ट इज फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, विशाल तिवारी. नेक्स्ट इज फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, इंदिरा गांधी. ओके सी फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंडिया का डिस्कस किया, बट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि वर्ल्ड के लिए भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको MCQs में रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फादर ऑफ रेवोल्यूशन है वो हमें वर्ल्ड के लिए पूछा गया है कि इंडिया के लिए. सो आइए डिस्कस करते हैं. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉर्मन बॉरलेग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म्ड फॉर फर्स्ट टाइम यूज बाय विलियम गॉड. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, ये याद रखना ज़रूरी है. नाउ फ्रेंड्स, आपके लिए क्विज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चंस पेपर्स में पूछा जाएगा. इंडिया इज सेलिब्रेटिंग डैश एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. सो ये आपको बताना है. ओके, सो ऑप्शंस आर 2019, 2017, 1991 और 2018. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ओके, कि कौन सा ईयर है जो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को कंसिडर किया गया है इंडिया में. थैंक यू सो मच.